जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कपड़े की बात करते हैं, कपड़े से पहचाने जाओगे इससे, तो आदमी जाहिर सी बात है वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित आवाज़ में। और इस वक्त मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हूँ और यहाँ पर जो सभा जुड़ी थी, लेकिन अभी कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हमारे साथ हैं। तो चचा, पहले सबसे पहले तो ये बताइए, जितने भी एक्टिविस्ट हैं जो मुस्लिम, उनके ऊपर इतनी आफत आई पड़ी है और आप ही की कम्युनिटी के लोग जो हैं उनकी आवाज़ें बुलंद नहीं करते हैं, वो आपकी आवाम के लिए और आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे कि सी ए है, CAA NRC के लिए कितने एक्टिविस्ट UAPA लगाकर उठा लिए गए, उनकी आवाज़ें बुलंद करने आप लोग नहीं आते हैं? यानी आप लोग टाइट हो चुके हैं क्या? हम तो बहुत पहले से हैं टाइट। हिंदुस्तान के जो आज़ादी की जंग है वो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, वो मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर मुसलमान थे। तो हमारा आप वहाँ से देखें ना कि हमने तो ग़ुलामी को कभी बर्दाश्त ही नहीं किया, हमारे DNA में ग़ुलामी नहीं है। तो ये हमारे तो DNA में कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे और जो गलत काम है उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं चाचा, आप तो ला रहे हैं, जो नौजवान उठा लिए गए हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, उसके लिए आपकी कम्युनिटी के लोग तो सामने आ ही नहीं रहे हैं, ना आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में ये गोदी मीडिया जो है ना, वो दिखा नहीं रहा है, आप लोग दिखा रहे हैं। आप लोग हैं सत्य हिंदी, मैं देखता हूँ दूसरे आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं भाई। दो चार एक्टिविस्ट से बात कर चुकी हूँ जिनके लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गोदी मीडिया इसको उसको नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाकी चैनल पे तो आ रहे हैं लोग। आपके अभी जो है पटना में हुआ है प्रदर्शन, बहुत शानदार हुआ है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा हमारे मिथिलांचल में दरभंगा में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो ऐसा नहीं, अब यह है कि कुछ लोगों को डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, तो बेचारे जो लोग इस लेवल के नहीं हैं तो वो परेशान। देखिए, ये कोई इशू ही नहीं है। ये तो BJP का छोटा रिचार्ज है जो ये बात कर रहा है, छोटा वाला रिचार्जर जो है ये बात कर रहा है, ये तो कोई इशू ही नहीं है। आप भगवान श्री राम के लगा दीजिए, हमें क्या आपत्ति है? जितने भगवान क्या 36 करोड़ सबके लगा दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ की गरीबी बेरोजगारी को दूर कर दीजिए, हमें कोई परेशानी। भाई, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, वो लगा रहा है गणेश जी की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हैं, आपके आराध्य हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, सबकी लगाइए, लेकिन बेरोजगारी दूर कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जाने, लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका और जापान वगैरह, वो लगाते, वो तो नहीं लगा रहे। वो आपने कहीं भी जैसस का नहीं देखा होगा, कहीं भी मोहम्मद साहब का नहीं देखा होगा, ये तो बेकार की बात है। ये इलेक्शन के लिए कोई वोट ले। अभी एक्टिविस्ट की मैंने बात की थी, अभी और भी एक्टिविस्ट से मैंने बात की है, तो जब वो जेल से आए, UAPA उनके ऊपर लग गया, CAA NRC की बात उन्होंने उठाई, उसके बाद आप ही की कम्युनिटी के लोग बहन बेटी देने को तैयार नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि डराया तो गया है बहुत ज़्यादा डराया गया है। हमने तो इंदिरा जी को फेस किया, JP मूवमेंट में हम काफ़ी फोर फ्रंट पर रहे, स्टूडेंट थे उस ज़माने में। तो आज जो हालात हैं वो कॉमनल हो गए हैं, और कॉमनल एंगल से देखा जा रहा है सारी चीज़ें। बहन बेटी नहीं देंगे, मतलब वो आपकी आवाम के लिए आवाज़ उठाने एक पहुँचा था और जेल पहुँच गया, तो उसने क्या जुर्म कर दिया? अगर आप बहन बेटी नहीं, आप ही लोग उसके साथ खड़े नहीं हैं? नहीं, हम लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो साथ नहीं दे पा रहे हैं, डरे हुए हैं बेचारे, खास कर UP में। लेकिन आप बंगाल में जाएं, बिहार में जाएं, साउथ में जाएं, ऐसा कोई मसला नहीं है। यूपी में आतंक है, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बाकी जो अदर स्टेट्स हैं, आप मानते हैं आप टाइट हो चुके हैं? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, हम तैयार हैं, बिल्कुल, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। और ये आवाज़, हम जो यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? आखिर ये चीज़ें हैं ना, तो बहुत बड़ी हमारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, काम कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हालात के तहत कुछ लोग घबरा गए हैं, लेकिन हम उनको हौसला दे रहे हैं और हौसला देंगे, हमारा हौसला तो बुलंद है। कैसे हौसला देंगे? वो तो जेलों में सड़ रहे हैं, जब आते हैं बाहर तो उनको आप लोग ही नकार देते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसी नजरों से नहीं नकारा, बिल्कुल नहीं नकारा गया। उनकी फैमिलीज को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए हम तालमेल बैठा रहे हैं कि उनको शादी ही नहीं हो रही, तो बच्चे कहाँ से आप देख रहे हैं? नहीं, हम देख रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पकड़े गए। नहीं, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, क्यों नहीं उठाई आवाज़?
कमाल है भाई, अगर यूपी में आवाज नहीं उठ रही है तो इसका ये मतलब है कि बंगाल में आवाज उठी है, बिहार में आवाज उठी है। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं मालूम ना आपको, मुझे इस बारे में उनकी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है। समाज को इतना दबा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि समाज को कि मुस्लिम को, मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, मुस्लिम ही की बात कर रहा हूँ मैं, खुल के बोल रहा हूँ। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कपड़े की बात करते हैं, कपड़े से पहचाने जाओगे इससे, तो आदमी जाहिर सी बात है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसके साथ। नहीं, ये मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है, फिर आप क्यों कह रहे हैं डर जाते हैं? मौजूदा हालात में थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम उसको जनरेट कर रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं, हम लोग हमारे जैसे लोग कुछ हो जाता है हर तरह। वसीम रजवी क्या मुसलमान नहीं था वो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फिर वो लोग क्या करें जो हालात के तहत आप ही लोगों के लिए जेलों में पहुंच गए हैं, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी तो और जेल में जाएंगे, उनको छुप छुप के रहना पड़ता है, बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं और हमारे बहुत सारे लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, आवाज उठाएंगे तो हम भी जेल में जाएंगे, तो हम तो तैयार हैं जेल जाने के लिए। भाई वो छोटे रिचार्ज हैं बीजेपी की बेटी में, हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी और वो इस लेवल पे आ जाए तो उसके बारे में हम क्या, आई हैव नो वर्ड टू कमेंट। नहीं मुझे आज से 2-3 साल पहले उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल का आदमी इतना सेकुलर, लेकिन है बहरहाल, अब क्या कर सकते हैं। भाई बी टीम है, केजरीवाल के फादर जो है बहुत बड़े वर्क कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमें सेकुलर पार्टियों के साथ चलना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं एक चीज आपको बता दूं कि अब तक 47 से लेकर 22 तक इस मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ जो राइट्स हुई हैं, कॉमनल राइट्स या जेनोसाइड हुआ है, वो ऑन रिकॉर्ड है। वो आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़्यादा जानते होंगे, वो शायद लाखों में है जी। लेकिन हमारा वजूद तो नहीं ख़त्म हुआ इस मुल्क में। हम सेकुलर पार्टियों को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कि मुस्लिम लीग बनी, बहुत सारी पार्टियां बनी, तकरीबन 2-2.5 दर्जन पार्टियां आज भी रजिस्टर्ड हैं। नहीं कर पाएंगे, वो ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि हमारे जो सेकुलर हिंदूज हैं या अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है उनकी जो हमारा साथ दे रहे हैं और हम उनका साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल पार्टी बनाकर भी साथ ले सकते हैं ना आप। इंडिविजुअल पार्टी वो जो लोकल लेवल पर बन सकती हैं, जिसको इलाकाई पार्टी कहते हैं, रीजनल पार्टीज के लेवल पर कर सकते हैं, जैसे केरला मुस्लिम लीग कर रहे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं दूसरे स्टेट्स में। नेशनल लेवल की हमारी पार्टी कोई सेकुलर अलग से नहीं बन सकती और इसमें यह जो डेमोग्राफी है उसमें हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कुछ ज्यादा आशावाद नहीं है। देखिए असल में देखिए मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो एलिट क्लास है इसने इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। जब हमारे यहाँ एजुकेशन आएगी, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आएंगी। आज केरला कैसे डेवलप कर रहा है, वहाँ भी तो बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप हैं, वो किसी के मोहताज नहीं, वो अपनी आवाज खुद उठाते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में मुस्लिम कम्युनिटी के ही जो मौलाना है, मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता आयोजित नेशनल मीडिया में चले जाते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? अरे वो बिकाऊ लोग हैं, उनकी बात मत कीजिए। बिकाऊ लोग हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, 100% बिकाऊ हैं। दे आर ऑल लाइक वसीम रिजवी, वसीम रिजवी के खानदान के हैं वो लोग, उनको हमारे यहाँ कोई वजन नहीं दिया जाता, न इनकी आवाज मुसलमान सुनते हैं। मुसलमानों को पता है कि ये कौन लोग हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वसीम रिजवी के खानदान के लोग हैं ना, वसीम रिजवी के खानदान के लोग हैं, उसी डीएनए के लोग हैं, वो करेंगे ये बात, तो वो ठीक है, वो हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे कुछ मुस्लिम कम्युनिटीज से आने वाले लोग, जो लगातार जिस तरीके से UAPA लगाकर इतने एक्टिविस्ट को उठा लिया जा रहा है, जिन्होंने आवाज़ें बुलंद की उस आवाम की, जो आवाम कभी सामने नहीं आती है, उस लोगों की जो अपनी मुख्य धारा में अपनी स्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब उनके ऊपर UAPA जैसे ये एक्ट लगा दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें उठा लिया जाता है, तो आप ही सोचिए कि मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से टाइट कर दिया गया है। जैसा कि PM साहब बोलते थे कि टाइट कर दिया है, चाइना टाइट कर दिया है, तो वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को भी जिस तरीके से टाइट कर दिया गया, तो आपके सामने है कि किस तरीके से एक एक नौजवान को जेलों में सड़ा दिया जा रहा है और उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है, और आज तक भी जो जेलों में पड़े हुए हैं उनके लिए पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो ये आज जो मुद्दा था यहाँ पर, उसी पर आज हमने चर्चा की इसी के साथ। देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।